नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। पुलिस वालों को कानून सिखाने वाली मंत्री अब जेल में पत्थर तोड़ेंगी या फिर आटे की चक्की पीसेंगी। महाराष्ट्र सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर को 8 साल पहले की गई गलती की सजा मिली। अपने आप को दबंग समझने वाली इस मंत्री को कोर्ट ने आईना दिखा दिया कि वो जनता की सेवा करने के लिए बनी है, हेकड़ी जमाने के लिए नहीं। राज्यपाल को संविधान का ज्ञान देने वाली मंत्री अब सलाखों में रातें गुजारेगी। शायद इसके बाद उन्हें अकल आ जाए कि नेता बनने का ये मतलब नहीं कि कानून की धज्जियां उड़ा दो। कानून और संविधान की दुहाई देने वाली मंत्री को 3 महीने के लिए सशर्म कारावास की कठोर सजा सुनाई गई है, यानी मंत्री महोदया को अब जेल की रोटियां खानी भी पड़ेंगी और जेल में चक्की भी पीसनी होगी। यह कठोर सजा उन्हें 8 साल पहले की गई गलती पर मिली है। तो आखिर 8 साल पहले इस कांग्रेस नेता ने क्या किया था? आज से ठीक 8 साल पहले 12 मार्च 2012 को यशोमती ठाकुर ने कानून को ताक पर रखते हुए अमरावती जिले के अंबा देवी मंदिर के पास ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी को मारा था। जिस पुलिसकर्मी पर उन्होंने रौब दिखाया उसका नाम उल्हास रोराले है। यशोमती ठाकुर गलत लेन में गाड़ी चला रही थी, पुलिसकर्मी ने उसे रोका तो कांग्रेस नेत्री भड़क उठी और पुलिसकर्मी को ही पीट दिया। इस मामले में यशोमती ठाकुर के साथ कार चालक और 2 कार्यकर्ताओं को भी आरोपी बनाया गया। जिला एवं सत्र न्यायालय ने इस मामले में कांग्रेस नेत्री को कठोर सजा सुनाई। न्यायाधीश उर्मिला जोशी ने 3 महीने के कठोर कारावास के साथ साथ 15,500 का जुर्माना भी लगाया। यशोमती के साथ उसके ड्राइवर और 2 कार्यकर्ताओं को भी सजा सुनाई गई, साथ ही एक पुलिसकर्मी को भी झूठी गवाही देने के आरोप में सजा सुनाई गई। ये कोई पहला मामला नहीं है जब कांग्रेसी यशोमती ठाकुर ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया हो। इससे पहले उनकी एक और वीडियो वायरल हुई थी जब यशोमती ठाकुर सेंट जॉर्ज अस्पताल में कांग्रेस के विधायक श्रीमंत पाटिल से मिलने पहुंची थी। यहां पर भी वो पुलिसकर्मियों से भिड़ गई। इस दौरान उन्हें देखकर लग रहा था कि उन पर चंडी सवार हो गई है। अपने दबंगई का नमूना उन्होंने एक बार और दिखाया था जब वो जल संसाधन के अधिकारियों से मिलने गई और उन्हीं पर बरस पड़ी। इस दौरान उन्होंने तोड़फोड़ भी की थी। मंत्री जी में इतना गुस्सा है कि वो कानून को कुछ भी नहीं समझती और खाकी पर अपना रौब जमाती है। दूसरों को संविधान का ज्ञान देने वाली ये मंत्री भूल जाती है कि नेता का असली अर्थ क्या होता है। ये सजा उन नेताओं के लिए भी सबक है जो कुर्सी पर बैठने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं और खाकी को अपना गुलाम समझ बैठते हैं। ऐसे नेताओं पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।